चैनल पूजा क्रिएशन। मैं हूँ पूजा महाकाल की नगरी देवघर से। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में वादा किया था आप लोग से कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगी पैटर्न ड्राफ्टिंग का दूसरा वीडियो, जो कि रेडीमेड गारमेंट्स या फिर आपका जो फिटिंग ड्रेस है उससे पैटर्न कैसे क्रिएट कर सकते हैं बिना बॉडी का मेजरमेंट लिए हुए, तो वही वीडियो आज मैं लेकर के आई हूँ। तो आई होप सो कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को सिखा पाई होगी और आप लोगों ने ट्राई किया होगा, कोशिश की होगी कि बॉडी का मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है, कुछ तो सीखा ही होगा आई थिंक। तो आज का वीडियो जो है, जो कि रेडीमेड गारमेंट को ट्रेस करके किस तरह से पैटर्न क्रिएट किया जाता है इस पे है। तो मैं तो ये टॉप लेकर के आई हूँ, मैं इस टॉप्स को ट्रेस करने वाली हूँ, इस टॉप को ट्रेस करके पैटर्न क्रिएट करने वाली हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बॉडी का मेजरमेंट लेकर के पैटर्न क्रिएट किया था, जो कि आप लोगों ने देखा ही था और बहुत इजीली मैंने कोशिश की थी, ज्यादा झोलझाल उसमें करने की कोशिश नहीं की थी, बहुत इजीली सिखाने की कोशिश की थी। तो एक्चुअली मैंने कुर्ती वगैरह को तो क्लोन करके ट्रेस करके बहुत सारे ड्रेसेस मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, तो वो तो वीडियो है ही। मैं क्या सोच रही थी कि इस बार थोड़ा समथिंग स्पेशल किया जाए, तो मैं ये टॉप को लेकर के आई हूँ। ये टॉप मैंने सिटी स्टाइल से खरीदा था और मुझे काफी ज्यादा पसंद है ये टॉप, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसी को ट्रेस कर करके पैटर्न क्रिएट कर लेती हूँ और फिर मैं इसको कपड़े पे कट कर लूंगी, तो मेरे लिए आसान थोड़ा हो जाएगा, मेरा दो काम हो जाएगा इजिली। तो वो वीडियो भी मैं डालूंगी इस टॉप का, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये टॉप। मैं दोबारा गई मॉल में तो मुझे ये टॉप नहीं मिल पाया, और ये दो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, इसका ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, तो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। तो इसका मैं ट्रेस करती हूँ, आप लोग भी देखिए कैसे मैं ट्रेस करती हूँ, और पेशेंसली ट्रेस करिए, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है और फैब्रिक को स्ट्रेच ना करें, कहने का मतलब मेरा ये है कि खींचे ना स्मूथली, इसको रखें। ग्राफिंग पेपर पे मैं चार्ट पेपर पे क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ग्राफिंग पेपर मिल नहीं पाया है तो मैं चार्ट पेपर पे क्रिएट किया है मैंने, तो आपको ग्राफिंग पेपर मिलता है तो आप उस पर क्रिएट करें, स्मूथली कीजिए और इसको खींचिए नहीं ज्यादा, स्मूथली रख करके और स्मूथली ही ड्रॉ करें लाइनिंग को, डॉट्स दे दें, उसके बाद इसको कपड़े को हटा करके आप लाइनिंग ड्रॉ करके कट कर लें। तो और स्ट्रेचेबल फैब्रिक ना लें, क्योंकि मैंने तो कॉटन फैब्रिक ले रखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप स्ट्रेचेबल फैब्रिक का यूज ना करें। स्ट्रेचेबल फैब्रिक यूज करेंगे तो क्या होगा कि वो बॉडी में जाने के बाद स्ट्रेच होकर के फैल जाता है और बॉडी को फिट बैठ जाता है, फिर आप उसको वापस जब उसको क्लोन करने जाएंगे तो वो सिकुड़ा हुआ होता है, तो वो आपका ठीक से क्लोन नहीं हो पाएगा। और स्ट्रेचेबल फैब्रिक ले रहे हैं तो उसमें मार्जिन ज्यादा रखें, मार्जिन ज्यादा लेकर के आप उसको पैटर्न को क्रिएट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वही चाह रही थी कि मतलब स्ट्रेचेबल फैब्रिक जो है जो कि खिंच जाता है और कॉटन फैब्रिक खिंचता नहीं है, बस यही दिमाग में रखना है। और दूसरा बात ये दिमाग में रखना है कि रेडीमेड गारमेंट जो होते हैं, जो कि पीछे का आर्म होल बड़ा होता है और आगे का छोटा होता है, स्लीव में भी वो ये स्लीव का बड़ा होता है और आगे का छोटा होता है, तो वो चीज को ध्यान में रख के ट्रेस करें, क्योंकि कटिंग करने टाइम मैंने जो पैटर्न क्रिएट किया था तो उसमें मैंने सिखाया भी था ये चीज कि आगे का आर्म होल छोटा होता है और पीछे का बड़ा होता है, तो इसमें भी आपको यही बात का ध्यान रखना है कि आगे का आर्म होल को छोटा कर ले और पीछे का बड़ा रखें। तो कुछ बातें हैं जो कि ध्यान में रखने लायक है, बाकी तो बहुत इजीली में आप कर पाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और मैं आई एम नॉट गुड टीचर, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को सिखा पाऊं इजीली वे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्राफ्टिंग पेपर को टू फोल्ड करके रख ले, उसके बाद उसके ऊपर जो जिस कपड़े को आप ट्रेस करना चाहते हैं उस कपड़े को रख ले। मैं टॉप को ट्रेस कर रही हूँ तो मैं गले से स्टार्ट कर रही हूँ, बैक साइड का है, बैक साइड का मैं सबसे पहले ट्रेस कर रही हूँ, उसके बाद आप शोल्डर का निशान लगा ले स्मूथली, उसके बाद उंगली से प्रेस करके आप आर्म होल का निशान लगाएं। ये टॉप है तो इसका आर्म होल काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लूज है ये मेरा, मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि मैं चाहती थी इस तरह का टॉप बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को ट्रेस कर लेती हूँ, ट्रेस करके आप लोग को सिखा भी दूंगी और मेरे काम भी आ जाएगा ये ट्रेसिंग।
तो इसलिए मैं इसको ट्रेस कर रही हूँ। आप इजीली रेडीमेड गारमेंट्स कोई भी हो तो उसको आप ट्रेस कर सकते हैं। मैं मेरे सिखाने का पर्पस बस यही था कि कोई भी रेडीमेड गारमेंट्स हो, टॉप हो, टी शर्ट हो या फिर कुर्ती हो, कुर्ती की तो फिटिंग होती है, इसमें फिटिंग नहीं है, ये लूज है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने इसको लिया है। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है, रेडीमेड गारमेंट्स है ये, क्योंकि मैंने मॉल से लिया था। अब इसको सीधा निशान स्केल की मदद से आप लगा लें। तो ये हमारा बैक साइड का तैयार हो चुका है, टॉप का बनके। यहाँ पे भी ये सीधा ही है। उसके बाद सीम अलाउंस ऐड करें, एक्स्ट्रा कपड़ा जो कि कपड़े पे काटेंगे तो मार्जिंग लेंगे। इस पर मैंने मार्जिंग नहीं लिया है क्योंकि ये कागज़ है, कपड़े पे इस चीज़ का ध्यान रखना है फैब्रिक पे कि मार्जिंग लेके आपको कट करना है। एक्स्ट्रा मार्जिंग लेंगे जो सिलाई में जाएगा। उसके बाद मैं पीछे का गला कट कर लेती हूँ, इसको काट करके मैं सेपरेट कर लूँगी। दिस इज बैक साइड, मैं फ्रंट साइड टॉप का कट करूँगी। टू फोल्ड कर ले, मैं चार्ट पेपर पे ड्राफ्ट कर रही हूँ। ड्राफ्टिंग पेपर में अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो मैं चार्ट पेपर पे ड्राफ्ट करके सिखा रही हूँ आपको। तो इसको भी टू फोल्ड कर ले और फ्रंट का मैं अब लूँगी। तो फ्रंट का गला है, इसमें कॉलर बना हुआ है तो कॉलर तो के लिए बड़ा गला चाहिए, तो गोल गला मैं इसी तरह से उंगली रख करके मैं निशान लगा लूँगी। जिस तरह मैंने शोल्डर का लगाया था उस तरह शोल्डर का भी निशान लगा लूँगी। और ये आर्म होल का उंगली हाथों से प्रेस कर ले, प्रेस करके आप निशान लगा ले। और जब कपड़े पे कट करे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक ले। इस तरह से मैं निशान लगा करके रेडीमेड गारमेंट को किस तरह से ट्रेस करते हैं, या फिर आपका कुर्ती है या फिर टॉप है या फिर ब्लाउज वगैरह है, जो भी ये क्रॉप टॉप है तो आप इजीली अब ट्रेस कर सकते हैं। कुर्ती को तो काफ़ी, कुर्ती को मैंने ट्रेस करके बनाया हुआ भी है, मेरे चैनल पे डाला हुआ है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से ट्रेस किया है। मैंने डायरेक्ट फैब्रिक पर ट्रेस किया, ये तो मैं पेपर पर ट्रेस करके दिखा रही हूँ। ये मेरा फ्रंट साइड का है, तो फ्रंट एंड बैक मैंने कर लिया है। मैं इसको भी कट करके सेपरेट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसका कोना निकाल रही हूँ। इसमें टॉप में दोनों साइड कोना बना, मैं फ़ोटो लगा दूंगी तो आप फोटो में देख पाएंगे किस तरह का ये टॉप है जो कि जिसको मैं कट कर रही हूँ। तो फैब्रिक को इस तरह से पलट के कट करेंगे। कम से कम 2 मीटर फैब्रिक ज़रूर लगेगा इसको बनाने में, मैंने बनाया नहीं है। जब मैं बनाऊँगी तो मैं इसका ट्यूटोरियल ज़रूर डालूँगी कि मैंने किस तरह से इसको कट किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से मैं कोना लेने की कोशिश कर रही हूँ कपड़े का, तो क्लॉथ का मैं कोना ही डालूँगी। चार्ट पेपर में मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह से आप रेडीमेड गारमेंट्स को ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ तक के सिलाई किया हुआ है तो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे चुन दिया हुआ है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे जिससे ये चुन्नट बन सके। उसको मैं हटा लूँगी, हटा करके मैं स्केल की मदद से इसका सीधा लाइनिंग ले लूँगी। सीधा लाइन करके इसको कट करके ये 2 पीस कटेगा, क्योंकि मेरा टॉप भी है जो कि 7 या 8 पीस में डिवाइडेड है जो कि सिलने के बाद होगा। इसका 2 पीस फ्रंट एंड बैक, 2 पीस, 4 पीस हुआ, 2 पीस स्लीव, 6 पीस और 2 पीस और कपड़ा जो सीधा स्ट्रेट कपड़ा लगा हुआ जो बीच में लगा हुआ है, वो लगभग 8 पीस में ये डिवाइडेड है ये टॉप। तो रेडीमेड कपड़े को किस तरह से ट्रेस, रेडीमेड कपड़े में बहुत सारे ऐड किए हुए होते हैं, कुर्ती में तो सिंपल होता है। अब मैं यहाँ स्लीव का ट्रेस कर रही हूँ ड्राफ्टिंग पेपर पे, तो इसको इजीली मैं फिर टॉप बनाने में ट्रेस कर लूँगी। इसी पेपर को रख के मैं ड्राफ्ट बना लूँगी अपना, तो मेरा ईजिली बन जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं टॉप पर ही कर लेती हूँ। कुर्ती पर तो मैंने पहले भी कर ही रखा है, मैंने सिखाया भी है, बहुत बार डाला हुआ है ये वीडियो। और कपड़े पे करे तो फैब्रिक ऐड करें एक्स्ट्रा। अब मैं इसका बीच वाला पार्ट लूंगी, क्योंकि मैंने बताया ही था कि आपको 2 साइड से कोना टाइप का बना हुआ है। उसके बाद इसका क्या नाम दूं मुझे तो खुद पता नहीं, लेकिन काफी कंफर्टेबल है ये। यहाँ पे मेरा चार्ट पेपर थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैं स्क्वायर शेप में इसको काट लूंगी। काट के मैं जोड़ के आप लोग को दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बना हुआ है। इसको सीधा मैं कट कर लूंगी और आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि मैं रेडीमेड गारमेंट को किस तरह से ट्रेस कर रही हूं।
ये मेरा बैक साइड एंड फ्रंट साइड का है, ये मेरा बीच में लगा हुआ है जो आप एक्स्ट्रा कपड़ा देख रहे थे। और यहाँ पे इस तरह से ये कोना लगा हुआ है। इस तरह से बना हुआ है जो, सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया इसलिए सेट नहीं हो पाया। इसका दो पीस कटेगा, इसका भी दो पीस कटेगा, और फ्रंट बैक तो मैंने काट ही रखा है। अब मैं टॉप को भी दिखा देती हूँ किस तरह से। सेम मेरा कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इसलिए सॉरी। और आगे का आर्म होल पीछे के आर्म होल से छोटा होता है, ये चीज़ का ध्यान रखें। रेडीमेड गारमेंट्स में भी यही होता है और हम लोग जो घर में बनाते हैं गारमेंट उसमें भी होता है। इस तरह से मैं इसको रख लूँगी, देखिए सेम मैंने काटा है ना। इसको फैब्रिक पे इसी तरह से आप ट्रेस तो करके आई कट कर होप सो लें। कि आप लोग के समझ में आ गया होगा कि मैंने कितना इजीली वे में इसको ड्रेस कर लिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके टॉप का ही लेकर के आऊंगी, इसको मैं कपड़े पे ट्रेस करके मैं ये टॉप क्रिएट करूंगी जो कि रेडीमेड टॉप है, तो मैं बनाना चाहती थी तो मैं इसी को बना लूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा यही होगा, वो नेक्स्ट मंडे आएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो यूजफुल लगा हो, अगर मैं आप लोगों को सिखा पाई हूँ, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और भी वीडियो लेकर के आती रहूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।